आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या कर रहा है, लेट वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है लंबा चौड़ा, ठीक है, इक्वल टू जीरो के बराबर। वाई ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, जीरो के बराबर। इफ वाई ऑफ जीरो इक्वल टू इसके बराबर है देन 4 × α + β आपने को बताने हैं। चलिए सबसे पहले आपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, e की पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर माइनस टाइम्स 2 e की पावर में y साइन x प्लस टाइम्स अपने किस बराबर दे रखा है, तो साइन x प्लस टाइम्स साइन x और इंटू अपने के पास दे रखा है कॉस स्क्वायर बराबर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अपने के पास क्या कीजिए, e की पावर में y को हम जब तक के लिए t मान, e की पावर y को हम क्या मान लेंगे, जैसे e की पावर y के टू मार टी माने तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, e की पावर में y dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे डी टी के बराबर, डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। हाँ क्या ना, या अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर, इसको अपने के पास ऐसे आ गए, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, e की पावर में y dy वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने के पास 2 × t sin x 2 × t sin x के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो प्लस टाइम की जगह हम क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, इक्वल टू माइनस टाइम साइन एक्स और इंटू किसके बराबर जाएंगे कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं, इसको हम इधर भेज दिए। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास टी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास e के पावर में इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स 2 sin x dx के बराबर, ठीक है। यहाँ से जैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको सॉल्व करते हैं if इक्वल टू, तो बताइए if इक्वल टू आ गया e के पावर में माइनस टाइम्स 2 और इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स cos x के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो e के पावर में 2 cos x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में 2 cos x, इसका अपने पास सोल्यूशन बताइए, इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो आपने क्या किस बराबर जाएंगे, इसको पार्टीशन कर दीजिए, बताइए इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे, सॉल्यूशन आपने के पास थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से आ गया आपने के पास टी इंटू ई की पावर में 2 cos के बराबर और इक्वल टू आ गया आपने के पास इंटीग्रेशन ई की पावर में 2 cos x के बराबर और इंटू आपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर। हाँ या ना, और इंटू किस बराबर जाएंगे डी एक्स, यानी एक्स से रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना है। अगर आप गौर से देखते हो तो इधर कॉस स्क्वायर एक्स है, इधर आपने के पास कॉस एक्स है, इसको आपने के पास क्या कीजिए अलग से इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम तत्काल के लिए आई मानते हैं, तो क्या मानते हैं तत्काल सेवा के लिए आई, आई को हम उधर इंटीग्रेट कर रहे हैं, या आपने के पास किसके बराबर मान लीजिए आई के बराबर। जैसे आई इक्वल टू आ गया तो बताइए यहाँ से आई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, आई इक्वल टू आ गया आपने के पास इंटीग्रेशन की पावर में 2 cos x ई की पावर में 2 cos x, तो आपने क्या माइनस साइन बाहर कर दी, तो चले रहने देते अंदर ही, तो यहाँ से आ गया आपने क्या बराबर साइन एक्स और इंटू आपने क्या किस तरह जाएंगे कॉस स्क्वायर के बराबर और इंटू डी एक्स। हम क्या करते हैं कॉस एक्स को एम मान लेते हैं, यहाँ से तत्काल सेवा के लिए कॉस एक्स को हम क्या मान लिए एम मान लिए, जैसे एम मान लिए तो यहाँ से आपने क्या किस तरह जाएंगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू किस तरह जाएंगे डी एम के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, तो देखो ये साइन एक्स डी एक्स और ये माइनस टाइम्स, ये सारा मिलकर के अपने किस बराबर हो जाएंगे डी एम के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में ये कॉस एक्स को हम टी माने तो ये आ गया अपने पास टू सॉरी एम माने तो 2m, यानी तो 2 cos x को m मान लेंगे तो अपने क्या ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि हमारे पास स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 2 cos x को m माने, यहाँ से आ गया अपने के पास किसके बराबर, यहाँ से आ गया अपने के पास 2 के बराबर, ठीक है, ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर। जैसे ही अपने के पास 2 चला जाएगा तो 2 को अपने के पास हम क्या कर देते हैं इधर डिवाइड कर देते, तो जैसे हम इधर डिवाइड करेंगे तो डी एम बाई 2 लिख सकते हैं इसकी जगह। हाँ या ना, ठीक है, तो यहाँ से आ गया इसको क्या मान लीजिए m के बराबर और इंटू 2m² बात तो बराबर ही पड़ेगा यार, ठीक है, तो ये आ गया अपने के इसके बराबर डी एम अपॉन 2 के बराबर और cos 2 cos x को हम क्या माने m माने, यहाँ से आ गया अपने के बराबर m² और अपॉन 2 और m अपॉन 2 का होल स्क्वायर, m अपॉन 2 का होल स्क्वायर के बराबर।
यहाँ से सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/4 और 1/2, तो आ गया 1/8 के बराबर e की पावर में m और इंटू एम स्क्वायर। यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए की पावर में m और इंटू एम स्क्वायर और इंटू आपने के पास किस बराबर m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। चलिए इंटीग्रेट करना स्टार्ट कीजिए। अब आपने के पास बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट एक बार नहीं दो दो बार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने के पास इसको क्या मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको आपने के पास सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, इसको आपने के पास क्या कीजिए इसको सेकेंड फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन और इसको आपने के पास फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आ गया आपने के पास 1/8 और ये आ गया एम स्क्वायर और इंटू ई के पावर में एम के बराबर, ठीक है। माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ई के पावर में एम और इंटू एम स्क्वायर का आपने के पास डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएंगे 2m के बराबर और ये रहा डी एम के बराबर, ठीक है। फिर से आपने के पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, इस 2 को हम डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, ठीक है। जैसे बाहर किए तो यहाँ से आ गया आपने के पास किसके बराबर 1/8 इंटू एम स्क्वायर और इंटू ई के पावर में एम के बराबर और माइनस टाइम्स 2 इस पूरे के मल्टीपल में अगेन आएगा, ठीक है। अब आपने के पास क्या कीजिए फिर से डिफरेंट इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ से आ गया आपने के पास इसको अब फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसको आपने के पास फर्स्ट फंक्शन। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया आपने के पास किस बराबर ई के पावर में एम और इंटू एम के बराबर हाँ आना और माइनस टाइम्स आपने के पास किस बराबर हो जाएंगे इंटीग्रेशन ई के पावर में एम और ये रहा डी एम बराबर हाँ आना। तो इक्वल टू आपने के पास किस तरह हो जाएंगे तो 1/8 और ये आ गया आपने के पास एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स एम स्क्वायर इंटू ई के पावर में एम आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 ई के पावर में एम यानी तो एम इंटू ई के पावर में एम लिख दीजिए एम इंटू ई के पावर में एम और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टाइम्स ई के पावर में एम का इंटीग्रेशन ई के पावर एम होता है तो ये आ गया आपने के पास ई के पावर में एम हाँ आना और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कॉन्स्टेंट यानी ये आपने के पास क्या आ गया इंटीग्रेट करने के बाद ये पूरी क्वांटिटी आ गई। जब इंटीग्रेट करने के बाद ये पूरी क्वांटिटी आ गई और ये आपने के पास किसके बराबर है आई के बराबर। तो यहाँ से अब आपने के पास बताइए तो यहाँ से आपने के पास किसके बराबर जाएंगे तो ई के पावर में वाई और इंटू ई के पावर में किसके बराबर है तो कॉस 2 cos x। हम ई के पावर में वाई कैसे डाल दिए यहाँ से तो टी है तो टी की जगह हम ई के पावर में वाई डाल सकते हैं हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया 2 cos x इक्वल टू बताइए यहाँ से आपने के पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन देख लीजिए ई के पावर में एम पूरे में हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से आ गया आपने के पास ई के पावर में एम और अपॉन में 8 के बराबर। अब आपने के पास किस बराबर देंगे सॉल्व कर लीजिए एम स्क्वायर माइनस टाइम्स 2m + 2 एम स्क्वायर माइनस टाइम्स 2m और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे 2 के, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस टाइम्स 2m + 2 और प्लस एम की जगह अब वैल्यू चिपका दीजिए एम की जगह किस बराबर देंगे तो ई के पावर में 2 cos x एम का जगह आपने के पास एम माने थे ना अपना एम क्या माने थे एम इक्वल टू 2 cos के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी 2 cos x को एम माने थे ये आ गया 8 के बराबर यहाँ से आ गया आपने के पास बराबर 4 cos² x के बराबर 4 cos² x और माइनस टाइम से किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया आपने के पास 4 cos के बराबर एम की जगह हम क्या डाल दें 2 cos x ये आ गया आपने के पास 4 cos x और प्लस टाइम्स और यहाँ से प्लस टाइम्स सी के बराबर ये आ गया आपने के पास क्या तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। जब जनरल सॉल्यूशन आ गया तो ये आपने के पास क्या आ गया कर्व का इक्वेशन जब ये आपने के पास कर्व का इक्वेशन आ गया तो यहाँ से आपने के पास क्या करा है कि ये जो कर्व है कहाँ से पास हो रही है ये कर्व देखिए 5/2, 0 से पास 5/2, 0 से पास करा दें चलिए पास कराइए 5/2, 0 से पास कराइए जैसे इसको 5/2, 0 से पास कराएंगे ई के पावर में 0 1 cos 5/2 0 होता है यानी इधर तो 1 लिखा हुआ, ठीक है। ये आपने के पास 0 ये ई के पावर में 0 1 यानी 1/8 यहाँ से आपने के पास ये 0 प्लस टाइम्स 2 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा और प्लस टाइम्स सी यानी सी का वैल्यू किस बराबर हो जाएंगे 1 - 1/4 के बराबर देख लो यहाँ से आगे आपने के पास किस बराबर 3/4 के बराबर यानी सी इक्वल टू आगे आपने के पास 3/4 यहाँ से आपने के पास सारे को कैलकुलेट कर लो कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी करने के बाद सी का वैल्यू चिपका जैसे सी का वैल्यू चिपकाएंगे तो यहाँ से सी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 5/4 प्लस टाइम्स 3/4 के बराबर, ठीक है। अब आपने के पास क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी खतरनाक करा रखा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर एक्स जीरो डालते हैं तो वाई आपने के पास के बराबर है एक्स जीरो डालने के बाद आपने के पास वैल्यू बताइए वाई का एक्स की जगह हम क्या डाल दें जीरो डाल देते हैं एक्स इक्वल टू हम क्या डाल दें जीरो जैसे जीरो डालेंगे तो यहाँ से आगे आपने के पास ई के पावर में वाई और इंटू ई के पावर में 2 के बराबर इक्वल टू एक्स की जगह जीरो डाल रहे हैं तो यहाँ से आगे आपने के पास किस बराबर तो ई स्क्वायर और अपॉन में 8 के बराबर और इंटू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस बराबर हो जाएंगे तो 4 - 4 प्लस टाइम्स 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया आपने के पास 3/4 के बराबर यहाँ से सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया आपने के पास ई स्क्वायर
और अपॉन में 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टाइम्स 3 अपॉन 4 के बराबर। ये 2 दूनी 4 यानी यह किसके बराबर, सॉरी 2 दूनी 4 का 2 4 या 8 ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास ई स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और होल अपॉन में आपने किसके बराबर, यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से आ गया अपने के पास ई की पावर में वाई और इन टू ई स्क्वायर इक्वल टू आपने किसके बराबर जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने के पास ई स्क्वायर प्लस 3 और होल अपॉन में आपने कहा किस बराबर 4 के बराबर ठीक है। ई की पावर में वाई बताइए, ई की पावर में वाई किस बराबर आ जाएंगे ई स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और होल अपॉन में 4 ई स्क्वायर आ जाएंगे, तो होल अपॉन में 4 ई स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन में आपने पास क्या करा है, किस टाइप से दे रखा है, बीटा अल्फा और एल एन के फॉर्मेट में, तो आपने पास थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो नॉमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, तो 1 अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 4 ई स्क्वायर के बराबर, सॉरी 1 अपॉन में 4 आ जाएंगे और प्लस टाइम्स 3 अपॉन 4 और e की पावर में माइनस 2 डाल दिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरीके का e की पावर में y अपने के पास इसके बराबर आ गया। क्वेश्चंस में देख लीजिए ऑप्शन अपने के पास क्या दे रखा है, y ऑफ 0 इक्वल टू इसके बराबर है, यानी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने के पास बताइए, यहाँ से हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे एल एन 1 अपॉन 4 और प्लस टाइम्स 3 अपॉन 4 और e की पावर में माइनस 2 के बराबर, और यही चीज़ दे रखा है अपने के पास एल एन अल्फा प्लस टाइम्स बीटा और इंटू ई के पावर में माइनस 2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कंपेयर कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 के बराबर और बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3 अपॉन 4 के बराबर, अल्फा और बीटा आ गया। क्वेश्चन में और पूछ रखा है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में पूछ रखा है अपने के पास 4 अल्फा प्लस बीटा बताइए किसके बराबर है, यहाँ से अपने के पास 4 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर जाएंगे, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपने कैसे किस तरह आ जाएंगे, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने कैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर, डैट मीन्स 4 के बराबर। तो अपने के पास ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और आंसर किस बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। अब देख लीजिए 4 कौन सा ऑप्शन है, अच्छा इंटीजर टाइप है, तो यहाँ से अपने कैसे इसके जो आंसर हो जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपने पास इंटीग्रेशन थोड़ा सा ठीक ठाक वाले थे और अपने पास कुछ नहीं था, डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसे भी दिख रहा है कि ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना ही काम था लीनियर डिफरेंशियल का, ठीक है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। तो ये थे अपने के जेई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट ड्यूटी में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय।